BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुझे मार्केट में कोई भी ऑफिस नहीं दे रहा था सर, मुझे कोई भी ऑफिस नहीं दे रहा था। सब बोल रहे थे कितना साल हो गया, मैं बोलती थी 6 महीना। क्या 6 महीना, पागल हो गए। 9:30 को मैंने ऑफिस ओपन किया कि आज पहला दिन है ऑफिस का, बैठेंगे आज। और उस ऑफिस में मेरा ऑफिस पूरा चोरी हो गया था, जैसे पंचनामा हो गया, वैन आ गई पुलिस की और लोगों को पता चल गया कि LIC का जो ऑफिस है वो लुट गया है। एजेंसी के 6 महीने में ही ना मुझे मेरे सर ने कहा कि मुझे ना मेरे ऑफिस में अभी आपको नहीं आना है, मेरे ऑफिस में पैर नहीं रखना है और मेरे स्टाफ को तेरा फॉर्म भरने के लिए नहीं बोलना है। शुरुआत में ही तूने 200 फॉर्म किए, अभी तो 1000 करेगी, 1500 करेगी, तो मेरा स्टाफ क्या तेरा एक फॉर्म भर देगा मेरे ऑफिस में नहीं आने का। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मेरे को इतनी परेशानियां हैं, मुझे लोन भरना है और सर बोल रहे कि मेरे ऑफिस में मत आओ, अब अपना ऑफिस ले लो। मुझे मार्केट में कोई भी ऑफिस नहीं दे रहा था सर, मुझे कोई भी ऑफिस नहीं दे रहा था। सब बोल रहे थे कितना साल हो गया, मैं बोलती थी 6 महीना। क्या 6 महीना, पागल हो गए, आप बर्बाद हो जाओगे, आप ऐसा हो जाओगे। मार्केट में ऐसे कितने घूम रहे, 5-5 साल एजेंसी चलाने के बावजूद भी वो रेंट नहीं भर रहे, आप भी नहीं कर पाओगे। तो फाइनली मुझे SRA में ही ग्राउंड फ्लोर लेना पड़ा, रेसिडेंशियल कम ऑफिस, और उसको मुझे पूरा बनाना पड़ा। मेरे पास जो छोटी मोटी जो मैं सेविंग मैंने की थी जीवन आनंद पॉलिसी में बचपन में, वो सारा मुझे लोन उस पर लेके मैंने उस सारी जगह को ऑफिस की जैसे जगह मैंने उसको बनाई। अभी वो ग्राउंड फ्लोर था, ऑफिस में सारी चीज़ें, ऑफिस में लगने वाली चीज़ें मैंने सब लाई, भले ही वो मतलब बोलते ना जूना माल था, जैसे चेयर्स है, सब कुछ है। अभी तुरंत तो सब कुछ नया नया मैं नहीं ला सकती थी 6 महीने की एजेंसी में ना, लेकिन मुझे ऑफिस चाहिए था क्योंकि सर ने कहा था कि मेरे ऑफिस में आप आना नहीं। उन्होंने जितनी भी चीज़ें रूडली से कही उतनी मैंने पॉजिटिवली थैंक्स कि उन्होंने मुझे शुरुआत से इंडिपेंड बनाया। उन्होंने शुरुआत से मुझे ऐसा नहीं बोला हाँ हाँ मेरे ऑफिस में बैठना बेटा, फॉर्म ला के देना तो चले जाना, फॉर्म ला के देना तो चले जाना, ऐसा उन्होंने मुझे नहीं बनाया। उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में आने का नहीं, बस हो गया अभी तेरा नाटक, अभी तेरा तू ऑफिस डालेगी, तेरा तू स्टाफ डालेगी और गाड़ी लेगी, तू एक्टिवा से नहीं घूमेगी। क्योंकि बाद में मेरे पास एक्टिवा थी, उन्होंने कहा आपको वैगनर लेना है, वैगनर में आपका सारा ऑफिस जैसा चीज़ रहेगा, फॉर्म एंड ऑल, और किसी कस्टमर को भी अगर आपको मेडिकल के लिए लेके जाना है तो, मतलब इतना सारा लोन का बर्डन भी मुझे उन्होंने लेने के लिए कहा। मेरा पहले ही लोन फंस गया था, उसमें ये 2 लोन हो गए। मैंने जो ऑफिस बनाया अच्छी तरीके से, उस ऑफिस में ओपनिंग हुई, ओपनिंग सेरेमनी में 250 लोग आए, उन्होंने हम लोग को ब्लेसिंग्स दी कि आगे बढ़ो वगैरह वगैरह। दूसरे दिन मेरे ऑफिस में 9:30 को मैंने ऑफिस ओपन किया कि आज पहला दिन है ऑफिस का, बैठेंगे आज। और उस ऑफिस में मेरा ऑफिस पूरा चोरी हो गया था, चेयर भी चोरी हो गए थे, सिर्फ टेबल बचे थे। जैसे मेरे ऑफिस में काफ़ी सारी चीज़ें थी, प्रिंटर था, डेस्कटॉप था, ये था, 2-3 कंप्यूटर्स वगैरह थे, मैंने सब सेकेंड हैंड से ही लाई हुई चीज़ें थी, बट वो सारी चोरी हो गई थी। और वो एरिया में मैं एकदम फेमस हो गई, जैसे पंचनामा हो गया, वैन आ गई पुलिस की और लोगों को पता चल गया कि LIC का जो ऑफिस है वो लूट गया है, मतलब किसी ने लूट लिया LIC का ऑफिस, पता नहीं कितना पैसा था उसमें, जबकि वो ओपनिंग ही हुआ था। अभी सर फोन नहीं उठा रहे थे, मेरे DO फोन नहीं उठा रहे थे, वो ओनर फोन नहीं उठा रहा था, पुलिस भी फोन कर रहे थे, वो दोनों फोन नहीं उठा रहे थे, उनको पता भी नहीं था। बाद में फिर ओनर को पता चला जब उसके ब्रोकर ने कहा कि वो मैडम के ऑफिस में बहुत बड़ी चोरी हो गई। उन लोगों ने बताना शुरू किया मेरी मम्मी को, हम सबको कह रहे हैं ये जगह बहुत पनवती है, इस जगह पे कोई भी नहीं टिकता है, यहाँ पे डेंटिस्ट आके गया है, कराटे क्लास आके गया है, डांस क्लास आके गया है, ये जगह पे कोई भी नहीं टिकता है, ये जगह बहुत पनवती है, अभी आप भी इधर मत रहो, देखो आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया, एक तो आप इतने गरीब है और आप गरीबी में इतना किया और देखो देखो आपका क्या हो गया। तो इसी एरिया में बहुत फेमस हो गई कि वो लड़की का, एक मैडम है LIC की, उसका ऑफिस का पूरा बेचारी का चोरी हो गया। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में ना जो किचन में जो लोखंड की जो ग्रिल थी वो कम्प्लीटली काट के ना चोरों ने वो सब लेके गया था, मतलब चेयर तक लेके गए, मतलब पूरा अच्छी तरीके से उन्होंने चौकोन में काट लिया। ओनर का मुझे फ़ोन आया, जबकि ओनर से मैं कभी मिली नहीं थी, उसका ब्रोकर था जो ब्रोकर काम करता, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपका डिपॉजिट रेडी है, डिपॉजिट लेके जाओ, मेरे जगह को नाम नहीं रखने का। मैंने कहा सर डिपॉजिट अपने पास रखो, मैं यहीं रह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। सर मैं उसी जगह पर रही, उसी जगह पर 5 साल मैंने 10 MDRT किए, उसी जगह पे मेरी पहचान हुई, उसी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का मुझे सम्मान मिला, उस जगह पे बहुत सारी चीज़ें हुई।